एचएल टीवी न्यूज। एसपी सिंह सरबत दा भला चैरिटेबल के संस्थापक ने बताया कि लोहड़ी बेटी के नाम से करनाल में संस्था पूरे हरियाणा की बेटियों के लिए घोषणा करती है कि जो बेटी अपनी पढ़ाई में 95% अंक लेकर पास होगी उसके लिए संस्था की तरफ से फ्री पढ़ाई करवाई जाएगी, सारा खर्च संस्था देगी। वहीं उन्होंने कहा कि जो बेटी के माँ बाप शादी के लिए सहायता मांगेंगे उनको संस्था की तरफ से 50,000 तक की सहायता भी दी जाएगी। सुमन मंजरी आईजी मधुबन ने बताया कि हमारी सरकार की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बेटी के नाम पर पूरे भारत में बेटी बचाने की मुहिम चलाई गई है। करनाल में लोहड़ी बेटी के नाम से मनाई गई, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है। आज करनाल में जो निफा और सरबत की भला चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग के साथ दोनों मिलकर जो बेटियों की लोहड़ी मना रहे हैं, जो कि पिछले 12 साल से मनाई जा रही है, एक बहुत ही अच्छा ये स्टेप उठाया गया था निफा की तरफ से 2005 में। और इतना ही नहीं, करनाल में नहीं, जैसे बताया गया कि इस हफ्ते में 12 जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के, हर डिस्ट्रिक्ट में लोहड़ी इन दिनों में मनाई जा रही है और मैं इनकी बहुत शलाघा करता हूँ इस काम की। और सरबत की भला चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मैं एक तोहफा देना चाहता हूँ इन बेटियों के नाम, कि जो भी बेटी, पूरा हरियाणा स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, कि प्लस टू में जो बेटी 95% या उसके ऊपर मार्क्स लेगी उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा जो है वो सरबत का भला चैरिटेबल ट्रस्ट उठाएगा। पूरा हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा पूरा स्टेट हमने चूज किया है कि पूरा हरियाणा हम आज अडॉप्ट करते हैं इन बच्चियों के नाम। आज यहाँ पर एसपी स्कूल में लोहड़ी मनाई जा रही है बेटियों की खुशी में। बेटियां भी शामिल हैं, वो हमारे समाज के का गौरव है और सभी को बेटियों को बढ़ावा देना चाहिए, उनकी तरक्की के लिए काम करना चाहिए। बेटियां देश का कल्याण ही करेंगी, कोई कभी हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगी और बेटियों की तरक्की के लिए सरकार को ठोस से ठोस कदम उठाने चाहिए। था कि लोहड़ी केवल पुत्र के उत्पन्न होने पे पहली लोहड़ी मनाई जाती थी, तो ये एक परिवर्तन की बयार है समाज में। विधान जब समाज में बदलता है तो जहान बदलता है, और जब जहान कौन बदलता है, ऐसे महान सोच रखने वाले कि जैसे सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट ये कार्यक्रम करवा रहा है, निफा उसके साथ सहयोग कर रहा है, तो ये महान व्यक्ति हैं जो समाज में परिवर्तन करेंगे और एक एक का संदेशा दे रहे हैं कि ये कन्याएं नहीं, ये शिव शक्तियां हैं। शिव का अर्थ है कल्याणकारी हैं और ये समाज का कल्याण भी करेंगी और ये सशक्त भी हैं और इनकी सशक्त की पहचान जो है आज का ये कार्यक्रम। करनाल से हलचल टीवी के लिए KCRI की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज।